जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र के अंदर, दोस्तों देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज से हमने अर्थशास्त्र की भी क्लास स्टार्ट की है, और आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट रहने वाली है दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इनको आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हो दोस्तों, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, बताइएगा। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है, तो आप लिखेंगे दोस्तों समष्टि, ठीक है। याद रखना समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है। शॉर्ट में लिखा मैंने आपके सामने, अर्थव्यवस्था की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, तो समष्टि अर्थव्यवस्था। अब देखो दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, ये जो समष्टि अर्थव्यवस्था है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि आप बताइएगा राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें करते हैं, तो इसी समष्टि अर्थव्यवस्था यानी इसी समष्टि अर्थव्यवस्था में जो है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करते हैं, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है समष्टि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, लिखेंगे अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा अगला दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। इसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा था और इसमें व्यक्तिक इकाइयों का विश्लेषण किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाएगी, ये तो समष्टि और ये व्यष्टि कहलाएगी, क्या कहलाएगी, व्यष्टि। तो आप लिखेंगे इसका आंसर व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्या कहलाएगी, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इसका ऊपर वाले का हो जाएगा समष्टि अर्थव्यवस्था और इसका आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है वो क्या कहलाती है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। अब देखो दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया गया है, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया गया है, तो इसी व्यष्टि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो समष्टि अर्थव्यवस्था में, और व्यष्टि अर्थव्यवस्था में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि आप हमें बताइएगा अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं, तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं दोस्तों, एक तो है समष्टि अर्थव्यवस्था, दूसरी है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ये दो शाखाएं हैं दोस्तों किसकी, अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की दो शाखा है, एक तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था, एक समष्टि अर्थव्यवस्था। ये आप याद रखेंगे दोस्तों एक एक प्रश्न को, सलक पुष्पराज झुक जाएगा, नहीं झुकेगा दोस्तों, अच्छे से याद रखना। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति जो है वो कैसी होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है, तो देखिएगा दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की जो आकृति होती है वो धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा, ठीक है, यानी कैसी आकृति होती है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति होती है धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि धनात्मक, ठीक है, धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा, क्या लिखेंगे, धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा। तो ये आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत जो है वो उत्पन्न होती है दोस्तों, बताओ कौन सी लागत उत्पन्न होती है, बताओ सीमांत लागत, कौन सी लागत उत्पन्न होती है, सीमांत लागत। तो इसका आंसर आप लिख देंगे दोस्तों सीमांत लागत जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है, तो सीमांत लागत। ये पूछा गया प्रश्न है, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों इनको आप अच्छे से याद करना, ओके। चलो टेस्ट सीरीज नंबर हमारी फर्स्ट है, अभी तो बहुत सी क्लासें आएगी दोस्तों, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से लेके हमेशा होगी क्लास, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है,
किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कीमत स्तर। ठीक है, आपको लिखना है वस्तु की कीमत। क्या है? वस्तु की कीमत। तो आप लिख देंगे यहां पर वस्तु की कीमत। ठीक है, वस्तु की कीमत यानी किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है वस्तु की कीमत। इसके बाद देखो मैक्रो। मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? ये जो मैक्रो शब्द है ये किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये पूछा हमें। तो याद रखना दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखना किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र। अभी मैंने बात की यहां पर समष्टि अर्थव्यवस्था या व्यष्टि अर्थव्यवस्था, इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कह सकते हैं दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो याद रखना मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो हम लिख देंगे दोस्तों किससे, समष्टि अर्थशास्त्र से है या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र से, बताओ। याद रखना समष्टि अर्थशास्त्र से, किससे है, समष्टि। ये मैक्रो शब्द जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र से क्या है, संबंधित है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, एक तो समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें मैक्रो शब्द जो है वो किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, समष्टि से संबंधित है, याद रखें। इसके बाद देखो गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है, जो गुणक है, गुणक इसका आकार किस पर निर्भर करता है, ये पूछा है। कौन सा क्वेश्चन है? सातवां क्वेश्चन, कि गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है, तो सीमांत उपयोगी प्रवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? सीमांत उपयोगी प्रवृत्ति पर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि गुणक का जो आकार है वो सीमांत उपयोगी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? रोजगार का परंपरावादी जो सिद्धांत है वो किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों। तो क्या करेंगे? स्वतंत्र। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत स्वतंत्र प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं अर्थव्यवस्था? तो देखो दोस्तों अर्थव्यवस्था की परिभाषा आपको लिखनी है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वह संरचना है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का क्या होता है, संचालन होता है, जैसे उपभोग, आयात निर्यात, व्यापार। ठीक है, तो ये याद रखें। इस परिभाषा पूछी जा सकती है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिभाषा लिखिएगा। तो ये प्रमुख क्वेश्चन थे दोस्तों। अब ये जो आपको 10 से लगाकर ये 18 तक जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आपकी बुक में इनके आंसर मिल जाएंगे। यहां पर देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, अभी हमने देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये भी देखा था। ठीक है, इसमें देखा था हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के वे शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है वो क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछी जा सकती है, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो इन क्वेश्चन का आंसर देखो दोस्तों, अगर आप जो है एक सीरीज तैयार होगी दोस्तों, हम सीरीज तैयार करेंगे। ठीक है, अभी तो तैयार नहीं हुई है लेकिन हम तैयार जरूर करेंगे, उसकी प्राइस 30 रुपये रहेगी। ठीक है, बाकी आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इनकी नोट्स बुक तैयार है, इनकी प्राइस 50 रुपये है। अगर आप इनकी नोट्स बुक नहीं खरीदना चाहते या डायरेक्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, तो भूगोल की सीरीज तैयार है, हिंदी की सीरीज तैयार है। ठीक है, इसके अलावा भूगोल, हिंदी और पॉलिटिकल, इनकी जो है सीरीज तैयार है, प्राइस सीरीज की 30 रुपये है, बाकी बुक की जो है वो 50 रुपये। व्हाट्सएप पर बुक मिलेगी, व्हाट्सएप पर ही मिलेगी दोस्तों, पीडीएफ के रूप में, चैप्टर वाइज हमें मैसेज कर सकते हैं नंबरों पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय, अभी देखो इस सब्जेक्ट की, अर्थशास्त्र की मैंने कोई अभी सीरीज बनाई नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, जरूर बनाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों आपको पता है दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। तो राष्ट्रीय आय की गणना हमारे दादा भाई नौरोजी ने की थी। उत्पादन लागत से क्या आशय है? तो ये सब प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, पूछे जाएंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। उत्पादन लागत से क्या तात्पर्य है? इसके अलावा सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अधिपूर्ति किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करेंगे, इनके आंसर दोस्तों अगर मैं सीरीज बनाऊंगा तो उसके अंदर लिख देंगे अच्छे से। ठीक है, बचत का क्या अर्थ है? भुगतान संतुलन को परिभाषित करें। इसके अलावा विनिर्माण दर का क्या अर्थ है और राजस्व घाटा क्या है? अब ये जो क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इनको नोटबुक के अंदर नोट करें। ठीक है, अगर आपके पास, आपको पता है, आपके बुक होगी तो बुक में इसके आंसर मिल जाएंगे, नहीं तो इसके सीरीज तैयार करेंगे तो सीरीज में अच्छे से लिख देंगे मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मोस्ट क्वेश्चन की जो एनसीईआरटी पर आधारित जो पेपर है उनके आधार पर सीरीज तैयार करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और दोस्तों इस तरीके से हमने 18 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे और आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट है, और कोशिश करेंगे जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो यानी टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेके आएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।